सुकबरिया हत्याकांड मामले में आया नया वोट, परिजनों ने छह मृत्यु की करी मांग। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मऊगंज जिले के हनुमना थाना अंतर्गत कैलाशपुर गांव में हुई सुकबरिया गुप्ता की नृशंस हत्या मामले में पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब इसमें नया मोड़ आ गया है। मृतका के परिजनों ने मऊगंज कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सुकबरिया हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अगस्त क्रांति मंच भी आगे आया है। आज से करीब 9 महीने पहले मऊगंज जिले के कैलाशपुर में दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद गुप्तांग में लकड़ी डाल दिया था, साथ ही महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। दरिंदों ने दरिंदगी की हद पार करते हुए महिला के पैर में कील ठोककर रस्सी से बांध दिया था, लेकिन अभी तक परिजनों को न्याय नहीं मिला है। न्याय पाने के लिए परिजन दर दर भटक रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने आरोपियों का बचाव करते हुए एक नाबालिग को आरोपी बनाकर वास्तविक आरोपियों को बचाया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार के समर्थन में अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहार तिवारी एक बार पुनः आगे कदम उठाया और आज पीड़ित परिवार सहित कलेक्टर और एसपी से मुलाकात करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो दूसरी तरफ मृतका के परिजनों ने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग की है। विजय तिवारी की रिपोर्ट। दिया और कलेक्टर महोदय की, और ये घटना ऐसी थी कि मऊगंज ही नहीं पूरे देश और जो सभ्य समाज है उस शर्म से झुक गया था, सभी के मन द्रवित थे। ये 30/1/2023 की घटना कैलाशपुर की, जिसे आप सभी सम्मानित मीडिया के साथियों ने जिम्मेवारी से दिखाया था। सुकवरिया देवी लगभग 55 वर्ष की थी, उस दिन घर में अकेली थी। उनके पति ये हैं और ये पुत्र हैं। इनको पैरालिसिस अटैक आया था, जबलपुर में थे। ये पुरानी घटना जो है आपको बताना चाहता हूँ। और वो घर में अकेली थी, आगे घर बन रहा था, 4 फीट नीचे जो पुराना घर था वहाँ 4 पाई पे लेटी थी। लगभग उनका वजन भी रहा होगा 75 से 80 किलो, और 4 पाई से ऊपर हाइट, 4 फीट हाइट ला के, और जिस तरह से उन्हें चौखट में लोहे की बांधा गया, मुंह में आप सबने मीडिया के साथियों ने देखा, और पुराने वीडियो फोटो में जाएंगे तो दिखेगा कि पन्नी मोजे उनके मुंह में डाल दिए गए थे। और दुष्कर्म करने के बाद प्राइवेट पार्ट में लकड़ी तक डाली गई थी। उस दिन भी हमने कहा था और आज भी कहते हैं कि जब बॉम्बे में घटना होती है, दिल्ली में होती है, तो निर्भया जैसी घटना होने पर कानून तक बन जाते हैं, लेकिन कैलाशपुर के गुप्ता परिवार पे घटना हुई। और साफ है कि जैसे जब घटना हुई, घर के पीछे तरफ कई डिस्पोजल शराब की शीशी और डिस्पोजल मिले, इसका मतलब कि घटना से पहले शराबखोरी की गई। और फंसाया किसको जाता है, एक नाबालिग को, सोची समझी रणनीति के तहत कि कानून में जो बाल अपराधी हैं उनके लिए जो कानून है उसका उसको फ़ायदा मिले, छूट जाए, और छूट भी गया, आज गाँव में रह रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच आज तक नहीं हुई। पीड़ित परिवार कल हमसे संपर्क किए और ये बोले कि अब हमारा जो स्थित है, हम समाज में कैसे रहें, और ये आत्महत्या करने की बात कर रहे थे, इसलिए हमने बोला कि कल एक बार फिर से आपके न्याय की बात करने के लिए नवगत एसपी और कलेक्टर साहब से मिलते, उसी के लिए हम लोग आए थे। एसपी साहब को भी दिया है, ज्ञापन भी दिया है, ये घटना की सारी फोटो हैं। पुलिस को लगता है अगर कि वो बालक कर सकता था तो सेम वजन के महिला या पुरुष को जिस कमरे में वो आंटी थी वहाँ लिटा दिया जाए, और जैसे पुलिस क्राइम सीन बनाती है एक महिला को वहाँ लिटा दिया जाए या पुरुष को लिटा दिया जाए, फिर उसी उम्र के एक नाबालिग को भेजा जाए, फिर वो नाबालिग कैसे इस तरह का कृत्य करेगा, कैसे घसीट के 5 फीट ऊपर लाएगा, कैसे इस तरह की विभत्स घटना करके हत्या करेगा, क्या संभव है? एक छोटा आदमी बोल सकता है कि एक आदमी का काम नहीं है, लेकिन क्या दबाव है, किसका दबाव है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि बात बात पे बहन और भांजी करने वाले शिवराज सिंह जी और उनकी पार्टी के किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने इस घटना पर अपना मुँह तक नहीं खोला। अब ये घटना का विरोध पहले दिन से हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि दुर्भाग्य है, इस तरह का होगा तो कैसे न्याय मिलेगा। मुद्रिका कॉल की आप देख रहे हैं कि उनकी हत्या की गई। अभी एक सचिव को
एक फिट में और कहीं चोट के निशान नहीं, मेड़ और खेत बराबर है, बता दिए कि गिर के मर गया, परिजन चिल्ला रहे हैं कि हत्या हुई, तो स्थितियां बड़ी खराब है। नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि प्रशासन पे दबाव है, किस ऐसा क्यों लगता है? देखिए, इतनी बड़ी विभत्स घटना दिल्ली में होती है तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक कैलाशपुर क्या हिंदुस्तान से बाहर था, जिले से बाहर था, जो इन लोगों का पहले दिन से है, और एकदम अगर दबाव नहीं है तो मैं कहता हूं कि मीडिया के साथियों को इकट्ठा कर ले, आप लोग हर जगह रहते हैं, और ये रिकॉर्डिंग चालू करा ले, महिला को लिटा दे, और उस उम्र के उस वजन के एक नाबालिग से लगा के और देख ले कि वो कैसे उठा के लाएगा, क्या कर सकता है। आप लोग भी कवर किए थे, और सभी का सवाल, सभी जो संज्ञान लोग हैं, यही मन में था कि एक व्यक्ति का एक कृत्य नहीं है। तो इसमें जो हमने तो कहा कि कानून में प्रावधान है कि अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम कभी भी उस पर, तो हम फिर से इस पर संज्ञान लेंगे और जांच कराएंगे। और कलेक्टर साहब ने तो कहा कि ये पुलिस का विषय एसपी साहब को आपने दे दिया है। जी, हमारी माँ को, जैसे कि आप सबको पता है, 30 जनवरी को हम लोग मतलब घर से बाहर थे, पिताजी हैं हमारे, इनको पैरालाइस है, हार्निया का ऑपरेशन करवाने जबलपुर गए थे, तो मतलब घर में माँ हमारी अकेली थी 15 दिन से, तो गांव के पड़ोस के लोग 4-5 लोगों द्वारा उनके मतलब जघन तरीके से हत्या, जो कि आप लोगों के पास उसका पूरा वीडियो होगा, फोटो होगा, फोटोज बनाया हो, इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। यदि आप लोग मीडिया से संज्ञान हैं हर चीज़, तो उसका अनुभव होगा कि ये चीज़ संभव नहीं है। पुलिस बोल रही है कि पहले बच्चा घुसता है तो लाइट बंद कर देता है, घर की पूरे कमरे की यदि लाइट बंद कर देता है तो जो जो इसमें सामान यूज किया गया उसको कैसे प्राप्त हो गया अकेले। महिला बिस्तर पर लेटी थी, जाके और दोनों कलाइयों को बांध देता है गमछे से, तो जब गमछे से कलाइयों को घर के जहाँ लेटी थी वहाँ बांधा, तो वहाँ चूड़ियों के टुकड़े और चीज़ें क्यों नहीं बरामद की गई, वहाँ छीना झपटी, इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ से उनको उठा के लाया होगा 4-5 लोगों द्वारा, ये बाकी सब कृत्य हमारे बने हुए मकान में किया गया, नाक में मुँह पन्नी मोजे डाले गए। हाँ, सही जाँच नहीं की, जिसमें पूरा धांधलेबाजी की गई है, राजनीतिक दबाव था पूरा विधायक का, यदि विधायक का दबाव न होता तो क्षेत्रीय विधायक मतलब सत्ता के विधायक थे उनके द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाती। किस विधायक का दबाव? प्रदीप पटेल जी का, उनके द्वारा घर में हमारे जाया जाता है, बोला जाता है कि अकेले की घटना नहीं है, जहां पूरा घटना जहां क्रम है पूरा वहां से जाते हैं, देखते हैं कि अकेले की घटना ही, 4-5 लोग हैं, इसके बाद उनके चुप हो जाते हैं। सीधी में पेशाब कांड हुआ था, एक दरुआ दूसरे के ऊपर पियागी पेशाब कर दिए, तो उनके घर में बुलडोजर चलवा दिया गया। आज तक इतने बड़े अपराध में ये शासन सत्ता के लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं, इनको सांप सूख गया है क्या? आप जब मुख्यमंत्री जी मऊगंज आए थे तो आप उनसे मिलना चाहते थे, हमको नहीं मिलने दिया। उसके बाद हम 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री दीवा का दौरा हुआ था, वहाँ भी हमने मतलब कलेक्टर महोदय को पहले से जगह समय सुनिश्चित करवा दिया गया था आवेदन के माध्यम से, फिर भी हमको नहीं मिलने दिया गया, बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया था। जब आप मऊगंज आए हुए थे मुलाकात करने, तो प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया था कि हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं? हाँ, नहीं, उस समय तो हम नहीं मतलब सूचना दे पाए थे, मतलब सूचना दिए थे रीवा में, सूचना दिए थे नहीं, हाँ गिरफ्तारी कर लिया गया था, नहीं रीवा में सूचना दिया था, हाँ रीवा में जगह समय सुनिश्चित कर लिया गया था, बाकी मिलने नहीं दिया गया। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि यदि शासन प्रशासन सत्य में जो बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान की महिला सुरक्षा लाडली बहना योजना जो लागू किए हैं, तो हम उनसे मांग करते हैं कि जो मेरे माँ के साथ बच्चों का सबसे बड़ा अपराध है, यदि कोई माँ के पेट से पैदा हुआ माँ के कोख का दर्द जानता है तो समझता होगा मेरी घटना के बारे में कि कितना बड़ा अपराध हुआ है मेरी माँ के साथ। आज तक हम लोग, ये हमारे पिताजी हैं, इनको उस समय हम मतलब 1 साल बिस्तर पर टट्टी पेशाब टारते थे, ये हमारा कर्तव्य है, बोलना नहीं चाहिए। इसके बाद ऑपरेशन हुआ तो वहाँ बिस्तर पर पड़े थे, उस स्थिति में हम इनको लेके आए, आज दर दर की हम 9 महीने से गांव तक छोड़ दिए गए। हम आपके माध्यम से अपनी बात पहुँचाना मतलब ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमको या तो न्याय मिले या तो ये प्रशासन हमको इच्छा मृत्यु दे दे, हम इस समाज और देश में जीना नहीं चाहते। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।